आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। अभी हम खड़े हैं जन अधिकार पार्टी के जिला कार्यालय में, जो डॉक्टर अब्दुल सलाम खान का आवासीय कार्यालय भी है। आज बरसात का दिन है और काफी बारिश हुई है। इस बारिश में भी कुछ नौजवान, कुछ नहीं अच्छी खासी तादाद में नौजवान जन अधिकार पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के लिए डॉक्टर अब्दुल सलाम खान के कार्यालय पे पहुंचे हैं। ये बहुत बड़ी बात है और सबसे बड़ी बात जो इसकी सबसे बड़ी विशेषता है, वो विशेषता ये है कि ये जितने नौजवान हैं सब 18-20 साल के नौजवान हैं और पानी में भीगते हुए अपने हायाघाट प्रखंड से यहाँ जिला कार्यालय पे पहुंचे हैं और इसमें बहुत सारे जो नौजवान हैं वो पहली दफा वोट डालेंगे। इनसे पूछे जाने पर इन लोगों ने बताया कि ये पप्पू यादव के कामों से काफ़ी आकर्षित हुए हैं, उनसे काफ़ी प्रभावित हैं और इस काम को देखते हुए ये लोग डॉक्टर अब्दुल सलाम खान के आवासीय कार्यालय पे पानी में भीगते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं और जन अधिकार पार्टी की सदस्यता को ग्रहण किया है। आइए बात करते हैं डॉक्टर अब्दुल सलाम खान, जो जन अधिकार पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं। जी, आज क्या कार्यक्रम हुआ सर आपके यहाँ? देखिए, पिछले 23 तारीख से और लेकर 23 जून से लेकर 22 जुलाई 2020 तक सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत हमारे नौजवान जो हायाघाट प्रखंड के आज यहाँ पहुँचे हैं। मैं इनका दिल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और वेलकम करता हूँ। ये बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात थी कि ये लोग ये बता रहे कि जब हमने इनसे पूछा कि आप लोग फ़ोन कर करके भाई, उन्होंने कहा कि आप वहाँ आए ना आए मुझे इसकी परवाह नहीं, पप्पू यादव के लिए हम लोग कहीं भी जा सकते हैं, ये दरभंगा बड़ी चीज़ नहीं है। तो मैं सदस्यता लेने के लिए, अगर मुझे पटना जाना होगा तो भी मैं वहाँ जाके सदस्यता लूँगा। ये सबसे बड़ी बात है कि इन लोगों के बीच में जो जागरूकता आया है, वो पप्पू यादव जी के ने जो काम किया है और जो काम करते आ रहे हैं गरीबों के बीच में, नौजवानों के बीच में, छात्रों के बीच में, खासकर जो लड़ाई लड़ रहे हैं बेरोजगारी के मुद्दा पे हो, चाहे वो बाढ़ आने का समय आता है तो पप्पू यादव दिखते हैं, जब कभी अभी आप देख लीजिए NRCCA का मुद्दा में पप्पू यादव नजर आए। दूसरी बात ये कि जब मुजफ्फरपुर के अंदर में चमकी बुखार आता है तो पप्पू यादव नजर आते हैं। बाढ़ पटना जैसे शहर में, जो बिहार का हाट माना जाता है, कैपिटल है, वहाँ जब बाढ़ आता है वहाँ भी पप्पू यादव नजर आते हैं। तो इन सबसे लोग प्रेरित होकर ये पार्टी से जुड़ रहे हैं, पार्टी में आस्था दिखा रहे हैं इस बात के लिए कि हमें काम करने वाला सेवक चाहिए, हमें ऐसा नेता नहीं चाहिए जो सिर्फ बोल बचन दे के चला जाए। भरोसा पे हम लोग, हमारे पहले का जनरेशन भी जो है भरोसा पे जीता रहा, अब ये लोग चाहते हैं कि भरोसा पे नहीं, जो काम दिख रहा है उसको हम उसके साथ जुड़ेंगे और उन्हीं को मजबूत करेंगे। आप आज यहाँ किस लिए आए? जन अधिकार पार्टी को ज्वाइन करने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं पानी में भीगते हुए। जैसा कि आप लोग देखे हैं कि कोरोना में पप्पू यादव जी बहुत अच्छा काम किए हैं पब्लिक के लिए, इसलिए हम सारे नौजवान जो है ना पानी में भीगते हुए यहाँ पे मुन्ना खान जी के यहाँ पर एक पार्टी को ज्वाइन करने के लिए आए हुए हैं। उनके काम से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं हम लोग। किस गांव से आए हैं आप? बलुआ। कौन सा क्षेत्र है? मल्लीपट्टी दक्षिणी हायाघाट मोहम्मद कलामुद्दीन। कोरोना वायरस में भी काम बहुत सा हेल्प कर रहे हैं गरीबों लोग का भी, और हम लोग का भी मन च्वाइस किया कि इस पार्टी में ज्वाइन होकर काम हम लोग भी करें उनके साथ होकर, और मुन्ना खान के पास इसलिए आए हम लोग। कहाँ से आए ज्वाइन करने के लिए? आप बलुआ से आए हैं।